फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिफायर। द वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक फॉर ऑल एंड there exist are called quantifiers। ये words और phrases को quantifiers कहा जाते। That means there are two type of quantifiers। Number one for all, which is called as universal quantifier। Symbolically it is denoted as like this, that means ulta a। And second type of our quantifier is the words or phrase there exist, and it is called as existential quantifier, and symbolically it is denoted as like this, that means ulta e। The similar words or phrases which are having same meaning like for all are for every, all, for all values of, these are also called as universal quantifiers। Again similar words which are having same meaning or similar meaning like there exist are for some, for one, at least, these are also called as existential quantifier। Our next topic is quantified statement। Generally an open sentence with quantifiers becomes a statement, and a statement involving quantifiers is called as quantified statement। हम आमतौर से देखते हैं कि ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस होता है, देयरफॉर स्टेटमेंट नहीं होता। अगर हम ऐसे ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर लगा दें तो वो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्वांटिफायर को इन्वॉल्व करने वाला स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस because it is a non-declarative assertive sentence। We cannot declare its truth value because the speaker is not declared or clear that
That's a statement is for all Indian citizens or for some Indian citizens. हमें डिक्लेयर नहीं है कि ये स्टेटमेंट उसने तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कहा है, ये कुछ इंडियन सिटीजन्स के लिए कहा है, ये डिक्लेयर नहीं हो सकता है। कुछ इंडियन सिटीजन्स जो उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो उनके लिए उसने कहा होगा। अगर वो इंडियन सिटीजन्स इंटेलिजेंट होंगे और उनके बारे में कहा होगा तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी। और तमाम अगर तमाम इंडियन सिटीजन्स के लिए उसने कहा है तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उसने ये बात डिक्लेयर नहीं की है, क्लियर नहीं किया है, देयरफॉर ये असर्टिव सेंटेंस नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। और हम ओपन माइंडेड होके इस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू के बारे में सोचते रहेंगे और हर एक का ओपिनियन अलग अलग आएगा, देयरफॉर ये ओपन सेंटेंस है। अगर ऐसे ओपन सेंटेंस में मैं एनी वन ऑफ क्वांटिफायर लगा दूं, कोई भी, लेट अस कंसीडर मैं यहां क्वांटिफायर ऑल लगा दूं, तो ये ओपन सेंटेंस अब स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट चूंकि क्वांटिफायर की मदद से जो स्टेटमेंट बनाए देयरफॉर ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाएगा। हम इसकी ट्रुथ वैल्यू अब डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसने तमाम इंडियंस के लिए ये सेंटेंस कहा है। All Indians are intelligent. तमाम इंडियन इंटेलिजेंट है, therefore हम इसकी ट्रुथ वैल्यू अब डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसने तमाम इंडियंस के बारे में ये सेंटेंस कहा है। इसलिए हम इसकी ट्रुथ वैल्यू चूंकि डिक्लेयर कर पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट हो गया और क्वांटिफायर की मदद से स्टेटमेंट हुआ है, therefore ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाए। अगर मैं यहां सम लगा दूं, सेकंड टाइप का क्वांटिफायर सम लगा दूं, सम इंडियंस आर इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सम की मदद से अगर इसे फॉर्म करूं, सम इंडियंस आर इंटेलिजेंट यानी कुछ इंडियंस के लिए बोला गया है, तो चूंकि कुछ इंडियन सिटीजन के लिए यह सेंटेंस कहा गया है, देयरफॉर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। लेकिन तमाम इंडियन सिटीजन के लिए अगर ये कहा जाएगा फॉर ऑल लगा दूं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। यानी हम ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर कब कर पा रहे? जब हम क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं। देयरफॉर ऐसा ओपन सेंटेंस जो क्वांटिफायर की मदद से स्टेटमेंट बनाए, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। या ऐसा स्टेटमेंट जो क्वांटिफायर को इन्वॉल्व करता है, जिसमें क्वांटिफायर शामिल होता है, ऐसे स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक्स belongs to set of natural number such that x plus 5 is equal to 9. It is also an open sentence because here value of x is not declared, that which natural number, for which natural number this statement is set. किस नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट कहा गया है हमको नहीं मालूम, बस एक्स नेचुरल नंबर है और उसमें 5 मिला तो 9 के इक्वल हो जाते हैं। अब वो एक्स कौन सा नेचुरल नंबर है ये डिक्लेयर नहीं किया गया, देयरफॉर ये नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। और हम ओपन माइंडेड होके सोचते रहेंगे और हर एक का ओपिनियन अलग अलग आएगा। कोई सोचेगा अगर वो नेचुरल नंबर 4 है तो फिर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी।
अगर एक्स अदर देन फोर नेचुरल नंबर है, देयरफॉर फॉर दैट नेचुरल नंबर इट दिस सेंटेंस इज हैविंग फॉल्स ट्रूथ वैल्यू. वो हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा, वो ओपन माइंडेड होके सोचता रहेगा जो भी ये सेंटेंस हो को रीड करेगा या सुनेगा. इस ओपन सेंटेंस में अगर कोई भी दोनों में से कोई भी टाइप का क्वांटिफायर लगा दिया जाए, इफ यू ऐड एनी क्वांटिफायर आउट ऑफ दिस टू, देन दिस ओपन सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू आई स्टेटमेंट, एंड बाय मीन्स ऑफ क्वांटिफायर दिस ओपन सेंटेंस बिकम्स आई स्टेटमेंट. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. चूंकि क्वांटिफायर की मदद से ये स्टेटमेंट बन रहा है, देयरफॉर हम इस स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे. अब इसकी ट्रुथ वैल्यू मैंने यहां एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा दिया. अब ये ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया. अब हम इसकी ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्ट डिक्लेयर कर पाएंगे, ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. क्या कहा गया? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9. यानी वहां कम से कम कोई एक एटलीस्ट का मीनिंग देता है. देयर एग्जिस्ट बोले तो एटलीस्ट यानी कम से कम कोई एक है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी. तो हम देख रहे हैं कम से कम कोई एक नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसा होता है कि उसमें 5 प्लस करें तो 9 के इक्वल होता है. जिसने भी ये सेंटेंस कहा है कि देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो कोई भी सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू क्या बोलेगा? ट्रू. तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर अब हो सकती है. किसकी वजह से हो सकती है? एक क्वांटिफायर लगाने की वजह से. देयरफॉर ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर इन्वॉल्व हुए, इसलिए ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. नोट डेट इन अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट करस्पॉन्ड्स टू टू थिंग्स. नंबर वन अ कलेक्शन एंड नंबर टू अ कंडीशन और प्रॉपर्टी. हर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दो चीजें अपने अंदर रखता है, दो बातें अपने अंदर रखता है. और वो दो बातें क्या है? नंबर वन कलेक्शन. हर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में आपको कलेक्शन दिखाई देगा. इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो पहली एग्जाम्पल में इंडियंस, दैट मीन्स कलेक्शन और सेट ऑफ पर्संस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. या अगर उस कंपनी के इंजीनियर्स के बारे में बात हो रही है तो हम इसको उस कंपनी के इंजीनियर्स जो इंडियन सिटीजन है उनके ग्रुप के बारे में बात हो रही है, वो कलेक्शन. तार स्टेटमेंट जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कलेक्शन होता है. ये कलेक्शन. और एक कंडीशन होती है, सेकंड थिंग इज कंडीशन. वो कंडीशन क्या है? दैट पर्सन्स आर इंटेलिजेंट. पर्सन्स आर इंटेलिजेंट ये कंडीशन जो है उसमें बताई गई है, कंडीशन को इंक्लूड किया गया. तो हर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में दो बातें होती है, कलेक्शन और एक कंडीशन. ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट इज अ कलेक्शन. नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो एक कलेक्शन है. और कंडीशन
ये कंडीशन भी यहां बताई गई है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें 5 प्लस करें तो वो इक्वल टू 9 होता है, यानी कलेक्शन में से कोई भी मेंबर को लेके 5 प्लस करें तो 9 के इक्वल होता है। अब तमाम के बारे में बात किया गया या कुछ के बारे में किया गया ये तो क्वांटिफायर बताता है, लेकिन वहां इस एक कंडीशन है और एक कलेक्शन है। तो हर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में कलेक्शन होता है और कंडीशन होती है, कलेक्शन होता है, कंडीशन होता है और उसके साथ साथ क्वांटिफायर्स होते हैं। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में आपको कलेक्शन मिलेगा और कंडीशन मिलेगी। अब इस कलेक्शन और कंडीशन के ऊपर आपकी ट्रुथ वैल्यू क्वांटिफायर के साथ डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी पहली एग्जाम्पल को अगर हम ले लें तो ये स्टेटमेंट क्वांटिफाई हुआ है बाय मीन्स ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल की मदद से क्वांटिफाई हुआ। अब ऐसा स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से क्वांटिफाई हुआ है, ऐसा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी कब? व्हेन ऑल मेंबर्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन आर सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाया गया है, इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू उस वक्त ट्रू होगी जब तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट कलेक्शन के उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से क्वांटिफाई किए गए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी कब? जब कोई एक एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जब कोई एक अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम इसके ट्रुथ वैल्यू क्या बताएंगे? फॉल्स। कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा इस कलेक्शन का, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा, यानी कम से कम कोई एक ऑब्जेक्ट अगर इस कलेक्शन का उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या बोलेंगे? फॉल्स। ऐसे ही ऐसा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विच इज क्वांटिफाइड बाय मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन इज सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कम अज कम कोई एक ऑब्जेक्ट अगर कलेक्शन का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ट्रू। अगर वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की मदद से क्वांटिफाई किया गया तब। और इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को हम फॉल्स बोलेंगे व्हेन नो ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन इज सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। इस क्वांटिफायर यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की मदद से क्वांटिफाई किए गए स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को हम उस वक्त फॉल्स बोलेंगे जब इस कलेक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। और कम से कम कोई एक ऑब्जेक्ट अगर इस कलेक्शन का उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे?